यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे माय सब्जेक्ट इज मैथ। आज हम मैथ के सब्जेक्ट में टॉपिक लेते हैं एडिशन ऑन ए नंबर लाइन। यस, हम क्या करेंगे, एडिशन ऑन ए नंबर लाइन की एक एक्सरसाइज है हमारी बुक में, आज हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यस, पेज नंबर 55 पे एक एक्सरसाइज गिवन है, उसी एक्सरसाइज को हम आज सॉल्व करेंगे। यस, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट इज द नंबर दिया वो गिवन है हमारे पास 1 + 7। 1 को 7 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या फाइंड होता है, हम यहाँ पर देखेंगे। यस, 1 को हम क्या करेंगे, 0 से पहले हम 1 पर जंप करेंगे, 0 से डायरेक्ट 1 तक आए। हमने क्या किया, 0 से हम कहाँ आए, 1 पर, 0 से 1 पर आए। उसके बाद में नंबर 1 के बाद 7 नंबर है, इस 0 से 1 तक जंप करने के बाद 1 के आफ्टर हमें क्या करना है, 7 नंबर ऑफ काउंट करते हुए जो जहाँ पर 7 नंबर आए हम वहाँ पर ड्रॉप कर देना है। यस, नाउ स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देन हमारा आंसर क्या गिवन हुआ, हमें क्या फाइंड हुआ है, 8। देन नंबर 1 और 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर है, फर्स्ट नंबर है 2। हम क्या करेंगे, 0 से हम 2 पर जंप करेंगे, एंड सेकंड नंबर भी 2 है हमारे पास। अब 2 के आफ्टर हम 2 टाइम्स ऑफ जंप करेंगे, 1, 2। हमें आंसर क्या फाइंड हुआ है, 4 फाइंड हुआ है। हम यहाँ पर राइट करेंगे 4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 3। हम 0 से जंप करेंगे सीधा 3 पर, 0 से हमने क्या किया, डायरेक्ट 3 पर जंप किया। उसके बाद में क्या नंबर है, फर्स्ट, यानी कि 3 को नंबर 1 में जब ऐड करेंगे तो क्या आएंगे, 3 के आफ्टर में 1 लाइन हमें क्या किया है, हमने जंप किया है। देन हमारे पास आंसर क्या हमें फाइंड हुआ है, 4 फाइंड हुआ है। हम यहाँ पर राइट करेंगे 4। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 6 है, हम क्या करेंगे, 0 से डायरेक्ट 6 तक जंप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो 2 है हमारे पास, फिर 2 टाइम्स ऑफ जंप करेंगे, 1, 2। देन हमें आंसर क्या फाइंड होता है, 8 फाइंड होता है। इट मींस 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है। यस, नेक्स्ट इज द 7 नंबर। पहले हम क्या करेंगे, 0 से लेके 7 तक जंप करेंगे, 0 से हम 7 हम 0 से 7 तक जंप करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, +1 यानी कि 1 टाइम और जंप करेंगे तो हमारे पास आंसर हमें क्या फाइंड होता है, 8 फाइंड होगा। यानी 7 + 1 कितना होता है, 8 होता है। ओके स्टूडेंट, आज हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व की है, आपको भी इसी प्रकार इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और अपनी बुक में राइट करना है और ये लर्न हो जानी चाहिए आपको एक्सरसाइज। ओके, बाय, थैंक यू।